हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज पी मोहम्मद शेख, शाफिन होम्योपैथिक क्लिनिक संगम अहमदनगर महाराष्ट्र से। मैंने तकरीबन दिसंबर महीने से ये मोर पावर का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। पहले खुद के लिए किया और उसके बाद हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और पेशेंट्स हैं इनके ऊपर हमने इसका टेस्टिमोनियल लिया, क्योंकि बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का बहुत डीप नॉलेज लेके प्रोडक्ट कोई भी हाथ में लेते हैं। तो चुनाती इसके जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत बढ़िया है और इसका साइड इफेक्ट तो कुछ अभी तक हमको मिला नहीं। हमने इसको एज अ फूड सप्लीमेंट बोल कर दिए, ज़्यादा करके ऐसे पेशेंटों में जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, न्यूरोस्थेनिया है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है, गायनेकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स है और डिप्रेशंस, GIT प्रॉब्लम्स वाले, स्किन डिसऑर्डर्स वाले, ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हमने अलग अलग पेशेंट को दिए। पर एज अ फूड सप्लीमेंट मेडिसिन तो हम लोग हमारा होम्योपैथिक देते हैं इसके साथ में। अभी कई कई पेशेंट ऐसे हमारे पास का जिनको बहुत ड्रामेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसमें, खासतौर से जिनको एंजियोग्राफी के पास ब्लॉकेज बताए गए थे, 90% ब्लॉकेज हार्ट के अंदर। तो ऐसे पेशेंटों को जब हमने दवाई देना शुरू किए तो जिनको चलने पे डिस्निया लगता था, दम लगता था, सांस फूलती थी, तो ऐसे पेशेंट अभी दो दो पाँच पाँच किलोमीटर वॉकिंग कर रहे हैं डेली। साथ में उनको जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स था, जो डायबिटीज़ वाले पुराने डायबिटीज़ वाले पेशेंट, जिनका सेक्सुअल प्रॉब्लम था, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था तकरीबन 20 साल पहले, यानी 20 साल से एक पेशेंट हमारे पास ऐसा था कि जिनको ED का प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, उसने जब ये प्रोडक्ट यूज़ किया साथ में हमारा मेडिसिन भी लिया, तो उसने एक बताया कि भाई 20 साल के बाद मैंने एंजॉय किया बोले सेक्सुअल लाइफ में। कई ऐसे हमारे पास पेशेंट है कि जिनको कैंसर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिनका खाना बंद हो चुका था, तो ऐसे पेशेंट अभी खा रहे हैं ठीक से। और हमने खुद ने भी इसका एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि दिन भर फटीक, डिप्रेशन, बहुत सारा एंजाइटी, बहुत सारा ओवरलोड काम करना, नींद का ठीक से नहीं आना, मस्कुलर पेंस होना, इसके अंदर जब मोर पावर का इस्तेमाल होता है तो पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉपी और मस्कुलर प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं इन्होंने सबने लेना चाहिए, कि डे बाय डे इनको इन्फेक्शन और वायरसेस और बैक्टीरिया से बहुत कांटेक्ट आता है। दिन भर में अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो उतना अलग अलग हमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने भी इसको पर्सनली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरसेस के इतने सारे वेरियंट आए हुए हैं कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी वायरस अंदर जाए तो फौरन बाहर आए। इसके लिए मेडिकल फील्ड के लोगों ने मोर पावर का डेली इस्तेमाल करना चाहिए। और कहना चाहूँगा एज लिमिट तो इसके लिए कुछ नहीं है, पीडियाट्रिक के अंदर भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6 साल वाले, 8 साल वाले बच्चे, इनके जो इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जिनकी उम्र के साथ हाइट वेट नहीं बढ़ती, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होता है, तो अलॉन्ग विथ मेडिसिन ये प्रोडक्ट हम लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक के 7 महीनों में अभी तकरीबन मैंने 40-42 इसके जो बॉक्स थे, डब्बे थे, वो तो हमने यूज़ कर चुके हैं अभी तक के, छोटे छोटे तो बहुत सारे यूज़ किए। तो मैं तो ये जो इन जिन्होंने बनाए ये मोर पावर, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ऐसी क्वालिटी बरकरार रखे, तो आगे ह्यूमन बींग के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से एक सवाल है आपको। बोलिए। एज ए डॉक्टर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है लेडीज़ को देने के लिए, इस पर ओनली फॉर मेल लिखा है, तो क्या ये लेडीज़ को दिया जा सकता है या कैसे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन इसका डोज कम होना चाहिए। ओके। और इसका डोज बहुत कम के नहीं के बराबर है, तो बहुत थोड़ा डोज और दूध के साथ देना चाहिए, कोल्ड मिल्क के साथ। अच्छा, कोल्ड मिल्क के साथ। लेडीज़ के सब प्रॉब्लम के लिए चलता है, सिर्फ इसका ओवर डोज नहीं होना चाहिए, आधा चम्मच, एक चम्मच, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टीम, आपकी वजह से ये आज डॉक्टर साहब से अच्छा ओपिनियन मिला। थैंक यू वेरी मच।